नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल न्यूज 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, ये खबर सिद्धार्थ नगर से आ रही है। किसानों से रिकवरी, नियमों की अनदेखी और वास्तविकता को छिपाकर सिद्धार्थ नगर जिले में भी किसान सम्मान निधि लेने वालों की एक बड़ी तादाद निकलकर सामने आई है। कृषि विभाग में मानक की अनदेखी कर किसान सम्मान निधि लेने वालों को रिकवरी का नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद योजना का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से अब तक करीब 15 लाख की रिकवरी की जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 करोड़ से ऊपर की रिकवरी सिद्धार्थ नगर जिले से होनी है। आपको बताते चले कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले सरकार ने गरीब किसानों को खाद बीज की समस्या दूर करने के लिए 2000 रुपये हर 4 महीने पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत खातों में भेजना शुरू किया था। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने एक गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन उस वक्त उस गाइडलाइन की दरकिनारी कर बहुत सारे अपात्र किसानों ने भी इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और लगातार इस योजना का लाभ ले रहे थे। इधर सरकार ने अपात्र किसानों को चिन्हित कर उनसे लिए गए रुपए की रिकवरी के आदेश दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिद्धार्थ नगर जिले में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक 11 किश्तों के रूप में 6,20,85,00,000 रुपए किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी और पात्र अपात्र किसानों की जानकारी देते हुए उप कृषि निदेशक ने बताया कि सिद्धार्थ नगर जिले में करीब 3,77,726 किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थी किसानों में से 2619 लाभार्थी आयकर दाता हैं। इसी तरह 31,212 ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये सभी अपात्र की श्रेणी में हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि बहुत सारे अपात्र जो इस योजना के तहत लाभ ले रहे थे, उनकी सूची कुछ तैयार की जा चुकी है जो संबंधित किसानों को भेजी जा चुकी है। बाकी अपात्र लोगों की सूची तैयार कराई जा रही है। उप कृषि निदेशक ने बताया कि सिद्धार्थ नगर जिले में चिन्हित अपात्रों की संख्या के अनुसार करीब 5 करोड़ के आसपास की वसूली होनी है। जिन किसानों को नोटिस मिल चुका है, उनमें से कुछ किसानों ने किसान सम्मान निधि के तहत लिए गए पैसों को वापस करना भी शुरू कर दिया है। कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक करीब 15 लाख रुपए की रिकवरी सिद्धार्थ नगर जिले से हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता असदुल्ला सिद्दीकी के साथ। जनपद में वर्तमान में 3,77,726 परिवारों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। उसमें से 2619 कृषक परिवार ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे ही हैं और पोर्टल पर उसकी व्यवस्था ऑनलाइन है। इनकम टैक्स विभाग से विभाग ने सूची लेकर के सभी को नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए और निर्देश के पश्चात नोटिस जारी हुई है, जिसमें 15,20,000 रुपये अब तक जो है रिकवरी की धनराशि जमा हो गई है। वर्तमान में जनपद में 32,000 मृतक ऐसे हैं जो जिनके खाते में किसान सम्मान निधि की धनराशि गई है और मृतक के होने के पश्चात जो धनराशि गई है उसकी वापसी के लिए भी विभाग ने कहा कि उनको भी नोटिस जारी हो। विभाग का निर्देश ये है कि अगर वो हमारा TAC उनके जाके एक बार अवगत कराए, क्योंकि जो है एक भाई मास स्तर पे वसूली होनी है, तो उनको पहले हम लोग उनके TAC के थ्रू एक निर्देश जारी किए हैं कि उनको जाके बताएं कि भाई अगर आप जून तक नहीं जमा करते हैं तो जून के पश्चात जो है चूँकि यह रेवेन्यू विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो राजस्व विभाग 10% अधिक चार्ज करते हुए वसूली की कार्रवाई प्रारंभ करेगा। क्राइटेरिया में यह है कि जो आयकरदाता के अलावा डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं या CA हैं, अथवा जो है 10,000 रुपये से अधिक वेतन पा रहे हैं, वेतन भोगी हैं, अथवा जो है 10,000 से अधिक पेंशन पा रहे हैं, सरकारी एम्प्लाई थे और रिटायर हो गए हैं, उनसे भी अगर वो किसान सम्मान निधि में अप्लाई करके किसान सम्मान का लाभ लिए हैं तो उनसे भी वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। उसको जो है मास स्तर पर जो है 1 मई से
एक 30 जून तक जो है सोशल ऑडिट के थ्रू गांव में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, लेखपाल तथा हमारे प्राधिक सहायक ग्रुप सी, तीनों की संयुक्त टीम जा करके गांव में बैठक करके वो वहां पे समस्त जो है लाभार्थियों का परीक्षण कर रही है कि कितने उसमें जो है इनकम टैक्स पे ही हैं, कितने जो है पेंशन पाते हैं, कितने जो है डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ऐसे आपात किस्मों की सूची बना करके 30 जून को जो है विभाग में पुटअप करेंगे, उस पर कार्यवाही उसके बाद पश्चात की जाएगी।